अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन के सैंडविच। जिसके लिए मुझे सामान चाहिए, मैंने आधा किलो से थोड़े कम है 400 ग्राम आलू है ये बॉईल कर लिए हैं, और एक प्याली आपने चिकन ले लें, उसको आपने इस तरीके से बारीकी नश कर लीजिएगा बॉईल करने के बाद। और ये लिया है मैंने मैदा है, ये आपने 4 चम्मच मैदा ले लें, इसका हमने पतला सा पेस्ट बनाना है। ये ब्रेड क्रम्स हैं जितने भी लगे हुए। अच्छा, ये है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हरा धनिया, और ये मैंने ली है 1 बड़ी प्याज ली थी, और हरी मिर्चें 3 हरी मिर्चें लेके मैंने इसको बारी बारी चॉप कर लिया है। ये मैंने लिए हैं 5 स्लाइस हैं, और चिल्ली सॉस, सोया सॉस, सिरका। अब हम आ जाते हैं पकाने की तरफ। आलू जो है वो मैश कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लीजिएगा पतला, जैसे बिल्कुल कोई इसमें गुठली ना हो, कोई लम्स ना हो, ताकि बिल्कुल स्मूथ सा एक आपने इसका पेस्ट टाइप का बना लेना है, कि ताकि जाहिर बात है जब हम ब्रेड पे लगाएंगे इसको तो ये हमारे मोटे मोटे से ना पीसीस मुँह में ना आए, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा इसमें से गुठलियाँ वगैरह जो हो जाती होती है ना। ठीक है, अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। आपने 2 टेबल स्पून के करीब आपने ऑयल डालना है, और इसके बाद आपने ये 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है ये इसमें डाल दें। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो आपने आलू शामिल कर देना है। इस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है, आलूओं को तेल के साथ फ्राई कर दें, और इसी के साथ साथ ही आपने सब चीज़ें भी इसमें शामिल कर लें, जैसे ये कुटी मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, नमक, चिकन पाउडर, प्याज और मिर्च, ये हरी मिर्चें जो मैंने काटी थी ये। अब आपने सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। एक अच्छी सी आपने चिकन सी तैयार कर लेनी है, इसके लिए हमने बहुत लजीज बनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और कम बजट के होते हैं भाई। सबसे ज़्यादा अब रमज़ान आ रहे हैं, आप रमज़ान में ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और आप इसको सेफ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी लास्ट में इसका तरीक़ा सेफ करने का। चिकन जो मैंने रखी थी बॉईल करके आपने ये भी इसमें इस वक्त शामिल कर लें, ये भी इसमें मिला लें। देखिए तैयार हो गया। अब आपने लास्ट में हरा धनिया शामिल कर देना है, और चूल्हा आप बंद कर दें। अब इसको अच्छी तरीके से इसमें मिला लें, और अब ठंडा करके हम इसको ब्रेड पे लगाते हैं। माशाल्लाह देखिए इतनी प्यारी लग रही है, खूबसूरत है, इतनी खाने में भी मज़ेदार होगी। आपने 1 स्पून जो है आपने चिल्ली सॉस पे डालना है। एक और 2 टेबल स्पून आपने चिल्ली सॉस डालना है, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। और अपने आप इसको भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लें। मिक्स हो गया, और मैं आपको आगे का बताती हूँ ब्रेड पे लगाने का। आगे ना आपने इसका पतला सा पेस्ट सा बना लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पहले पानी डालिएगा ताकि कोई गुठली वगैरह ना हो, एक स्मूथ सा आपने इसमें पेस्ट बना लेना है ना। एक स्लाइस में से 2 पीस कर लेने,
इस तरह ना दो 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 पीस कर लीजिएगा। आपने ना एक चम्मच ये लेके और इस पर लगा लेंगे। देखिए मैंने सब पे लगा लिया। अब आपने करना ये है, इसको अपने मैदे में डिप करना है इस तरीके से। ये करने के बाद आपने इसमें अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेना है और इसको आपने इस तरह झाड़ के और यूँ लगा लेना। फिर इस तरह ये लेके और डिप करें। ये देखें इस तरीके से आपने मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए मैंने सब पे ब्रेड क्रम्स लगा लिया। अब आप चाहें तो इस मौके पर आप इसको फ्रिज भी कर सकती हैं। आप किसी भी फूड सेवर में रख के और फ्रिज में रख दें और फिर जब आपको तलना हो तो आप निकाल लीजिएगा। अब मैं आपको उसको फ्राई करके दिखाती हूँ। आपने ये इस तरह डाल देना है। आपने जिस पे आलू का वो लगाया ना तो वो आप ऊपर रखिएगा और ब्रेड नीचे रखिएगा। आलू जिस पे हमने मिक्सर लगाया ना वो आपने इसको ऊपर रखिएगा और ब्रेड का हिस्सा नीचे रखिएगा। बस तीन पीस आ रहे हैं मेरे, तो मैं तीन ही डालूंगी इसमें। बस जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो आपने इसका इसको टर्न कर लेना है। जब अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। आज मैंने नॉर्मल रखी है। अब आप अच्छे से पक जाते हैं, प्यारा सा कलर आ जाए तो आप इसको टर्न कर देना है। तो देखें ये हो गया। अब हमने इसको निकाल लेना है। पहले आप इस पर निकाल दें, ठीक है। जैसे लाइट गोल्डन से हो गए, अब हमने इसको निकाल दें। पहले आप इस पर निकाल लें, जब इसका तेल थोड़ा सा निकल जाए तो फिर आपने देखें सब मैंने तैयार कर लिए। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे, कितने क्रिस्पी होते हैं और टेस्ट में भी इतने ही अच्छे होते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हुए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, रमज़ान के लिए बेस्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अच्छा से कमेंट दें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।